सो एक गीजर बाय करते समय सबसे पहला स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि हमें कितने लीटर का गीजर लेना है। एंड अगर आप भी यहीं पे कंफ्यूज हो कि आपको कितने लीटर का गीजर लेना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का कोई भी वन वर्ड आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, आपके यहाँ पे कंटिन्यूस पावर है कि नहीं, मीटर का आपका कनेक्शन कितने लोड का है, एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप इस वीडियो को खत्म होने से पहले डिसाइड कर ही लोगे कि आपको कितने लीटर का गीजर लेना चाहिए आपकी नीड्स के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 1 लीटर गीजर से। सो 1 लीटर गीजर जनरली रिकमेंड किया जाता है अपने किचन एंड वॉश बेसिन यूज के लिए। एंड वैसे देखा जाए तो 1 लीटर एंड 3 लीटर गीजर के प्राइस के बीच में कोई ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। सो इसलिए आपके लिए 1 लीटर के जगह 3 लीटर गीजर लेना ज्यादा एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी हम 3 लीटर गीजर की बात करें तो ये भी जनरली रिकमेंड किया जाता है किचन एंड वॉश बेसिन यूज के लिए। लेकिन अगर आप चाहो तो इससे बाथरूम में बकेट बाथ के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन शावर के लिए नहीं, क्योंकि शावर में हमें थोड़ा यहाँ पे कंसिस्टेंट हॉट वाटर लगता है। और वैसे यहाँ पे 3 लीटर गीजर में हमारे पास 2 पावर ऑप्शंस होते हैं, 3 किलोवाट एंड 4.5 किलोवाट। अगर आपको बिल्कुल इंस्टेंट हीटिंग चाहिए विद इन सेकंड्स, तो आप यहाँ पे 4.5 किलोवाट वाला गीजर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि 4.5 किलोवाट इज इक्वल टू 3 1.5 टन एयर कंडीशनर रनिंग ऑन इट्स हाईएस्ट लोड। सो इसके रिगार्डिंग आपका मीटर कनेक्शन एंड वायरिंग भी होनी चाहिए। एंड साथ ही में अगर आप अपने घर के मल्टीपल बाथरूम में ये गीजर्स लगा रहे हो, तो अपने घर के लोड एंड प्रॉपर वायरिंग का खास ध्यान रखना। और एडिशनली यहाँ पे 3 लीटर गीजर से एक बार में नहाना मुश्किल है, दैट्स व्हाई आपको ये गीजर को ऑन रख के यूज करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी का भी खास ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए आप यहाँ पे शॉक सेफ प्लग या शॉक सेफ स्विच का यूज कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे 5 और 6 लीटर गीजर की बात करें, तो इन गीजर को यहाँ पे बाथरूम के लिए आइडियल माना जाता है फॉर बकेट बाथ। एंड वैसे देखा जाए तो इसे आप यहाँ पे शावर के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको गीजर ऑन रख के यूज करना पड़ेगा। एंड इसके लिए अपना टैप वॉल मिक्सर या डायवर्टर होना भी जरूरी है, जिससे हम टैप के अंदर ही वाटर को मिक्स करके डिजायर टेम्परेचर का आउटपुट ले सके। देन अब इसके बाद आते हैं अपने 10 लीटर गीजर्स, एंड यहीं से अपना जो स्टोरेज गीजर वाली कैटेगरी है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड डेफिनेटली ये यहाँ पे बाथरूम यूज के लिए ही है। अगर आप यहाँ पे बकेट बाथ लेना चाहते हो तो 2 लोगों का काम इससे चल जाएगा, और वहीं शावर की बात रही तो ये 1 लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप इसे प्री हीट करके यूज कर रहे हो तो। देन इसके बाद हम यहाँ पे 15 लीटर गीजर की बात करें, तो इससे यहाँ पे 3 लोग बकेट बाथ ले सकते हैं, और वहीं शावर की बात रही तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 लोग। ये डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे वाटर यूजेस कितना है, एंड सेकेंडली यहाँ पे फर्स्ट यूजर एंड नेक्स्ट यूजर के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, क्योंकि जब एक बार हम यहाँ पे अपने गीजर में से थोड़ा गर्म पानी निकाल लेंगे, देन उसके बाद उतना ही ठंडा पानी अपने गीजर में वापस मिक्स होगा, जिसके वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो वाटर का टेम्परेचर है वो थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। बाकी यहाँ हमें हर एक स्टोरेज गीजर में एक टेम्परेचर नॉब मिल जाता है, जिसकी मदद से हम अपने गीजर का कट ऑफ टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, विच मीन्स गीजर के हाईएस्ट टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। एंड साथ ही में हमें स्टोरेज गीजर में भी 2 पावर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 किलोवाट एंड 3 किलोवाट। यहाँ 3 किलोवाट वाला गीजर अपने पानी को ऑलमोस्ट 33% फास्ट हीटिंग करेगा एज कम्पेयर टू 2 किलोवाट। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे 25 लीटर एंड अबव की बात करें, तो अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्ग शावर लेना है, बैक टू बैक नहाना है, बाथ टब को भरना है, या आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं एंड आप अच्छी क्वांटिटी में पहले से पानी हीट करके स्टोर रखना चाहते हो, तो इस केसेस में आप यहाँ पे 25 लीटर एंड अबव वाले गीजर को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं एक 25 लीटर गीजर ले लूँ एंड उसी का कनेक्शन मैं बाथरूम वॉश बेसिन एंड यहाँ पे किचन में कर दूं, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपकी तीनों चीजें पास पास में होगी। अगर दूर दूर है तो नहीं, क्योंकि जो पानी अपने पाइप के अंदर रहेगा वो काफी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बार बार आपको जो पाइप के अंदर ठंडा पानी उसको वेस्ट करना पड़ेगा, एंड एडिशनली जो यहाँ पे हीट लॉस है वो तो होगा ही। नाउ अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपने डेफिनेटली डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कितने लीटर का गीजर लेना है, लेकिन कौन सा गीजर लेना है, कौन सा गीजर आपके नीड्स के हिसाब से बेस्ट रहेगा, ये सब जानने के लिए आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हो। सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इन सब के अलावा यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाइज ले सकते हो।